जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन 2021 जुलाई 26 से शुरू होने वाला है और ये अगस्त 28 तक चलेगा। इस सिलसिले में जिन जिन लोगों ने एडमिशन का फॉर्म भरा था उनका एडमिट कार्ड आ चुका है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का जो तरीक़ा है वो बड़ा ही आसान है। आपको यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाना है और वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। जामिया मिलिया इस्लामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसकी बड़ी अच्छी रैंकिंग है, तो अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर एक एडमिट कार्ड 2021 लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड है जिससे आपने फॉर्म भरा था वो लॉगिन आईडी पे डालना है और फिर लॉगिन बटन क्लिक करना है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जो है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लें। उस एडमिट कार्ड पे आप अपना नाम और जो कोर्स अप्लाई किया है, वेन्यू और एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ है वो आपको दिखेगा। कैंडिडेट्स के लिए ये ज़रूरी है कि एग्ज़ाम एंट्रेंस टेस्ट देने से पहले जामिया में जब वो आएँ तो वो इन डिटेल को चेक कर लें, एडमिट कार्ड पे जो डिटेल है, क्योंकि अगर डिटेल गलत है तो उसको रेक्टिफाई करवाया जा सकता है। जिन कैंडिडेट के पास एडमिट कार्ड नहीं होगा वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने की इजाज़त उनको नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये एक प्रूफ है जिसको लेकर के आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे आना पड़ेगा। फिर से आपको एक बार बता दें कि जो एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन है वो जुलाई 26 से शुरू होगा और अगस्त 28 तक चलेगा। ये जो एग्ज़ाम एंट्रेंस हो रहा है ये उन लोगों के लिए है जो जामिया के मुख्तलिफ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखला लेना चाहते हैं।